हेलो दोस्तों, पीडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट सेशन का जो मुहिम चलाया हूँ क्लास टेंथ का मैथ्स का, तो दोस्तों ये उनमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री का है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। तो आप इसको अच्छे से देखिए, अपने कॉपी में सॉल्व करिए। पेपर में 100% आने की चांसेस है। कितना? 100% आने की चांसेस है। मैं जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेशन बनाया हूँ तो आप उनको अच्छे से देखिए, क्योंकि 100% ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही है। तो देखिए है ना, इसको ये ट्रिग्नोमेट्री से है, तो इसको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है, प्रूफ दैट करना है। कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू सेक ए। तो देखिए ये वाला पार्ट होता है LHS। क्या होता है? LHS। ये क्या होता है? RHS है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक, तो आप देख लेंगे हमारा ये RHS है, ये हमारा LHS है। चलिए हम LHS को लेंगे और RHS को प्रूव कर देंगे। तो चलिए देखिए हम क्या ले लेते हैं, LHS, टेकिंग LHS। तो क्या हो जाएगा? कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये ले लिया। अब देखिए इनका लेंगे LCM। क्या लेंगे दोस्तों? इनका हम लेंगे LCM। तो LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? कॉस ए वन प्लस साइन ए आ गया LCM। ठीक, अब देखिए यहाँ से वन प्लस साइन ए कट जाएगा तो क्या बचेगा? कॉस ए। तो कॉस ए का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस ए का मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ से कॉस ए कट जाएगा तो ये बचेगा, तो क्या हो जाएगा? वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, देखिए कॉस ए से कॉस ए कटा तो ये मल्टीप्लाई इससे हुआ तो ये आया वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसी तरह वन प्लस साइन ए कटा तो कॉस ए बचा, तो कॉस ए का मल्टीप्लाई तो कॉस ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए इनको एक्सपेंड करेंगे हम, है ना, आराम से करेंगे। देख लीजिए कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं। किसका फार्मूला लगाएंगे? देख लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक, ये फार्मूला होगा। तो अब देखिए यहाँ से वन का स्क्वायर, ठीक, वन का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए, है ना, वन का मल्टीप्लाई वन से तो टू साइन ए हो जाएगा। और अपॉन में कितना हो जाएगा? कॉस ए वन प्लस साइन ए, ये हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर ए प्लस वन, वन का मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो वन ही आएगा ना, एक का गुणा एक से, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए अपॉन कितना हो जाएगा? कॉस ए वन प्लस साइन ए, ये हो जाएगा। देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको। हाँ दिख रहा है, सही है। अब देखिए हम कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को यहाँ लिख दिए, साइन स्क्वायर ए, ये देखिए कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए, यहाँ लिख दिए वन प्लस टू साइन ए अपॉन में क्या है? कॉस ए वन प्लस साइन ए, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो मैं इधर लिख रहा हूँ। तो देख लीजिए कॉस ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए कितना होता है? वन होता है। देख लीजिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? वन। तो ये वन आ गया। ठीक, प्लस वन प्लस टू साइन ए अपॉन में क्या हो जाएगा? कॉस ए और वन प्लस साइन ए। ठीक, अब इसको जोड़ दीजिए आप, देखिए वन और वन कितना हो जाएगा? टू, प्लस टू साइन ए अपॉन कॉस ए वन प्लस साइन ए। अब देखिए यहाँ से टू कॉमन ले लेंगे, टू बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा? वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए कट गया तो क्या बचेगा दोस्तों? टू अपॉन कॉस ए। तो टू अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा? टू सेक ए। क्या हो जाएगा? टू सेक ए। कैसे हो जाएगा देख लीजिए, कि वन अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा? सेक ए, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो ये आ जाएगा ये आर एच एस, मतलब एल एच एस इक्वल आर एच एस, ये हेंस प्रूफ इथ सिद्धम। तो दोस्तों आराम से समझिए, अपने कॉपी में राइट डाउन करिए, है ना, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो
दोस्तों पुनः याद दिला दूं कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।